सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज रेडी. बताओ क्या है कॉस्ट वेरियंस. 1 to 1 to एडवर्स. थाउजेंड एडवर्स. 2 1 to एडवर्स. 40 फेवरेबल. 252 एडवर्स. नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 17. आइडल टाइम है उस समय. फाइनली वी आर वेटिंग फॉर द आइडल टाइम. तो आ गया. अ गैंग ऑफ वर्कर्स नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 30 मेन, 15 वुमेन एंड 10 बॉयज. सो टोटल इज 55. दे आर पेड एट स्टैंडर्ड अवरली रेट्स एज अंडर 80 पैसा, 60 पैसा एंड 40 पैसा. इन अ नॉर्मल वर्किंग ऑफ 40 आवर्स द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड. कैसा 40 घंटे ये लोग सब मिलके काम करें तो 2000 यूनिट तैयार हो जाएंगे. तो ये जो आपको दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड था. नेक्स्ट पैराग्राफ. ड्यूरिंग द वीक एंडिंग ऑन 31st December 2013 द गैंग कंसिस्टेड ऑफ 40 मेन, 10 वुमेन एंड 5 बॉयज. यानी टोटल तो 55 ही है. गैंग में नंबर तो उतना ही है लेकिन इंटरनल थोड़े चेंजेस हैं. द एक्चुअल वेजेस पेड आर 70 पैसा, 65 पैसा एंड 30 पैसा रिस्पेक्टिवली. 4 आवर्स वर लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल आइडल टाइम. तो 4 आवर्स इज योर आइडल टाइम. एक इंसान के 4 घंटे हैं. देर आर 55 पीपल. देर आर 55 पीपल जो 4 घंटे बैठे रहे. तो 55 इंटू 4 टू 20 आपका आइडल टाइम होगा. एंड 1600 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड. हाउ मेनी यूनिट्स? 1600. तो ये आपका एक्चुअल आउटपुट है. सो चार्ट तैयार करें. गिव द हेडिंग. क्वेश्चन नंबर 17. इस समय आपको एक्चुअल एक्टिव आवर्स वगैरह सब कुछ ढूंढने का है. नाउ एग्जाम्पल स्टैंडर्ड 2000 यूनिट्स आवर्स एंड वीक. So we have men, women and child. So कितने कितने हैं भाई? सबसे पहले 30 men. So 30 into 40. How many hours? 1200 hours. Then how many women? 15. So 15 women into 40. 600. Child how much? 10. 10 into 40? 400. उनके रेट स्टैंडर्ड रेट्स 0.8, 0.6 एंड 0.4. नाउ लेट्स गो फॉर द एक्चुअल परफॉर्मेंस. एक्चुअल आउटपुट इज फॉर 1600 यूनिट्स वेयर बाय योर एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल कॉस्ट वी हैव टू मेंशन. सो नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्चुअल मेन? 40. 40 into 40, 1600. Then 10 into 40, 400. And then 5 into 40, 200. What are the actual rates? 70 paisa, 65 and 30. Multiply 1120. 260 and 60. Total 1440. And how much total hours? 2200. But out of that 55 people for 220 was your idle time. So 2200 minus this. So 1980 is called your actual active hours.
actual active verbs. A revised standard. अच्छा ये आप बताओ मुझे, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि स्टैंडर्ड में भी आइडल टाइम आए? नहीं, पहले से आप विचार ही लेते हो कि थोड़ी देर तो बैठना ही पड़ेगा ना, थोड़ी देर तो पप्पत का पगार लेना ही पड़ेगा ना, अच्छा थोड़ी लगता है। तो कभी भी स्टैंडर्ड में आइडल टाइम नहीं होगा। अवर्स, रेट, कॉस्ट। चलिए फॉर 2000 यूनिट्स 1200 आवर्स, सो फॉर 1600 हाउ मच? 1780 ये हो गया। कौन सा डेटा तैयार आपका? वर्किंग नोट। अब इसमें से वेरियंस स्टार्ट करें। वेरियंस नंबर 1, 2, 3 तो आपको फा जाएगा, बट लेट्स डू इट, पूरा सम कर ही देते। तो सबसे पहला हमारा वेरियंस कौन सा रहता है? लेबर कॉस्ट वेरियंस। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, तो 1440 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? 56 एडवर्स। पता चल रहा है सबको? दूसरा रहेगा लेबर 256 एडवर्स। नाउ लेबर रेट वेरिएंस, फॉर्मूला आपको पता ही है, हम लोगों को क्या करना है बस तीन बाइफरकेशन, मैन, वुमन, चाइल्ड। सबसे पहले एक्चुअल आवर्स लिख लो। व्हाट इज आवर एक्चुअल आवर्स? 1600 400 200 इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड रेट 80 पैसा 60 पैसा 40 पैसा माइनस एक्चुअल रेट 70 पैसा 65 पैसा एंड 30 पैसा। करो आंसर। 160 माइनस 20 यहाँ पे प्लस 160 फेवरेबल। एंड नाउ लेबर टाइम वेरियंस, फॉर्मूला तो पता ही है, खाली यूसेज तीन बार होगा, मैन वुमेन चाइल्ड। स्टैंडर्ड रेट 80 पैसा 60 पैसा 40 पैसा। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स 960 480 320 माइनस 1600 400 and 200 माइनस 500 48 फेवरेबल ना 48 फेवरेबल 416 नेगेटिव 416 एडवर्स। 416 एंड 160 का डिफरेंस 256 सही हो जाता। डन। अब टाइम वेरियंस कितने पार्ट्स होंगे इस सब में? तीन, पहला आइडल टाइम, ठीक है। सो फोर्थ वेरियंस इज आइडल टाइम वेरियंस, ऑलवेज नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? आइडल आवर्स into standard rate. So men, women, child. Ideal hours कैसे निकालेंगे आप देख लेना ध्यान से। आप ये 40 men है तो 40 men 4 घंटे बैठे रहे तो कितना हुआ ideal hours? 160. 10 women 4 hours ऐसे ही बैठे रहे 40. 5 child multiplied by 4 20 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। व्हाट आर आवर स्टैंडर्ड रेट? 80 पैसा 60 पैसा 40 पैसा 128 24 and 8 160 एडवर्स। डट ये आपके लिए नया।
और अब फिफ्थ और सिक्स्थ भी नया है, क्या है? लेबर मिक्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू ब्रैकेट एक्चुअल एक्टिव आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो माइनस एक्चुअल एक्टिव आवर्स इन एक्चुअल रेशियो। पहले पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, मेन वुमेन चाइल्ड, स्टैंडर्ड रेट 80 पैसा 60 पैसा 40 पैसा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? एक्चुअल एक्टिव आवर्स, तो पहले एक्चुअल एक्टिव आवर्स लिख देते हैं 1980 1980। इन विच रेशियो वी हैव टू पुट इट? इन स्टैंडर्ड रेशियो, ठीक है। स्टैंडर्ड रेशियो है 12:6:4 की जगह आप 6:3:2 भी लिख सकते हैं, तो 6:3:2। चलो 1980 को डिवाइड करो 1080 540 एंड 360, ठीक है। अब एक्चुअल रेशियो, एक्चुअल रेशियो अब आपको ये वाला लेना नहीं है, आप कई बार क्या उसमें अलग अलग होता है इसलिए माइनस करके करो तो अच्छा रहेगा। इनके 1600 है तो 1600 में से 160 इसका आइडल टाइम, बराबर। तो 1600 माइनस 160 1440। इस समय पे क्या स्टेबिलिटी है, सबका इक्वल है, पर किसी किसी समय किसी का ज्यादा किसी का कम ऐसा दिया हो तो आप फंस जाओगे। 400 माइनस 40 360, 200 माइनस 20 180, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी एक असम्पशन आप कर सकते हो कि जो आइडल टाइम हुआ वो आप स्टैंडर्ड रेशियो में भी ले सकते हो, कि स्टैंडर्ड रेशियो में आइडल टाइम हुआ, तो ऐसा भी एक असम्पशन होता है कि भाई जो आइडल टाइम हुआ है इन विच रेशियो? स्टैंडर्ड रेशियो, व्हाट इज स्टैंडर्ड रेशियो? 6:3:2, उस रेशियो में भी आप ले सकते हो, बट वी आर नॉट टेकिंग देयर। दिस माइनस दिस इनटू 0.8 288 एडवर्स, दिस माइनस दिस इनटू 0.6 108, दिस माइनस दिस इनटू 0.4 108 एडवर्स। एंड द लास्ट वन, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज लेबर कॉस्ट पर आवर इनटू ब्रैकेट टोटल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस टोटल एक्चुअल एक्टिव आवर्स। तो वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? तो 1184 डिवाइडेड बाय 1760 इनटू ब्रैकेट 1760 माइनस 1980। स्टूडेंट्स कई बार यहाँ पे 2200 लिख देते हैं, एक्चुअल एक्टिव लिखते हैं, क्योंकि आपने आइडल टाइम को अलग निकाल दिया ना, अब उसके बाद सिर्फ एक्टिव आवर्स रहेगा, इसीलिए 148 एडवर्स। तो तीनों तीन एडवर्स है, तीनों तीन का टोटल क्या 416 आ जाता है? चेक करो, 160 प्लस 108 प्लस 148 इज इट 416 राइट। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, गलती कहाँ होती है? यहाँ पे एक्टिव आवर्स लेना भूल जाते हैं, ठीक है, कॉपी कर लो।